हेलो गाइस, तो स्वागत करते हैं वापस से एक नए वीडियो में। और आज की डेट है 4 तारीख 8वां महीना और 2024 का साल है। इस वक्त पानी के मौसम में मैं अभी बाहर निकला हूँ, देख सकते हैं पूरा पानी का माहौल हुआ रखा है। और मैं एक नए सफ़र में आपको लेकर चलने वाला हूँ। सफ़र की जो शुरुआत होने वाली है आपसे हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट मिलने वाला है क्योंकि यात्रा जो बहुत लंबी होने वाली है। तो सफ़र का मज़ा लेने के लिए आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि सफ़र का कौन सा पड़ाव चालू होने वाला है। तो गाइस, हम जा रहे थे महादेव यात्रा में, तो आपको तो मालूम होगा वो कैसे ट्रैक है, तो वो सब चीज़ दिखाएंगे हम आपको। फिलहाल पानी का मज़ा लेते हुए बेलपत्री लेने के लिए हम जा रहे थे, क्योंकि वो उसका मुख्य जो उसमें योगदान होता है बेलपत्री का। तो बेलपत्री लेने जाएंगे और फिर घर में पूजा वगैरह करेंगे, जो पूरा वीडियो आप लोगों को ब्लॉग में मिल जाएगा। जैसे कि अभी थकान हो रही किस टाइप से कि पानी आया एकदम से और मैं फास्ट काम करते हुए इधर आ गया, थकान हो रही इसलिए बोलने में थोड़ा दिक्कत जा रहा है, ठीक है ना। तो वीडियो में बने रहे, आपको पूरा वीडियो एक एक करके मिलता जाएगा डेली डेली। तो इसीलिए अभी बेलपत्री लेने चल रहे हैं। तो कैसे देख सकते हैं, ये है बेलपत्री का जो पेड़ है और ये शिव मंदिर के थोड़ा साइड में, हनुमान मंदिर के साइड में। तो हमने इतने सारे बेलपत्री तोड़ लिए और ये कुछ खेत खलियान देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर आकर्षक। तो चलिए, हसीन नज़ारों को मद्देनज़र रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और भोलेनाथ जी का नाम लेकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आगे का सफ़र आपको पूरा व्यू दिखाते रहेंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बने रहना डेली डेली हमारे वीडियो के साथ। फाइनल जो हमने अपनी ये सब जो देवी देवताओं की पूजा करके अब फाइनल हम निकलने के लिए रेडी है, सभी देवी देवताओं की पूजा के लिए लास्ट धनगढ़ी बाबा के नाम से प्रचलित हमारे गांव के लास्ट देवता जो मुख्य और लास्ट होते हैं, तो वो पूजा भी हो चुकी है। सभी लोग आगे चले और हम साथ में अभी पीछे। तेजस भाई और मैं यात्रा कर रहा हूँ महादेव की, तो इस सफ़र में हम लोगों के साथ आप लोगों को भी लेकर चलेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे महाकाल जी के। महादेव यात्रा में आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बनाए रखना और ऐसे ही आगे आगे वीडियो को शेयर करके लाइक करके बने रहना। चलिए मिलते हैं हम आपको एक अगली लोकेशन पर। गाड़ी हमारी आने वाली है तो वो पांडुना से होते जाएंगी। तेजस भाई और मैं बैठा हूँ इस रोड के किनारे, यहीं से अभी पांडुना से होते हुए अपनी गाड़ी आएंगी, तो हम चलेंगे उसी गाड़ी में। सफ़र के साथ मज़े लीजिए आप भी और एंजॉय कीजिए महादेव यात्रा का। भाई इस वक्त हम मोरखा शहर में आ गए और यहाँ पर मंदिर में अभी पूजा वूजा करेंगे। ये तब मुझे आपको दिखाई पड़ रहा हूँ, साथ में मौसा जी है तेजस भाई की। इधर ढोल नगाड़े की आवाज़ जोरों शोर से गूंज रही है और पानी का मौसम भी स्टार्ट हो चुका है। चलिए अभी मंदिर में पूजा करके आते हैं। वैसे ये वाला मंदिर देख सकते हैं, ये मंदिर में आ चुके हैं हम मोरखा के मंदिर में और यहाँ पर कुछ भंडारा वगैरह चल रहा है, देख सकते हैं। मंदिर में काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ है, उमड़ी है।
सांप का खेल आप देख सकते हैं कैसा ही। बहुत सारे लोग इधर डांस वांस कर रहे हैं, पानी भी स्टार्ट हो चुका है और हमने अभी काफ़ी सफ़र किया पांडुरा से यहाँ तक का, और यहाँ से 250 किलोमीटर और भी आपको आगे बढ़ना है, तो जारी रहेगा पचमढ़ी तक। पचमढ़ी से आगे की जो और भी हम यात्रा करेंगे, और उसके बाद तो मॉर्निंग हो जाएगी, नाइट में हम अपनी गाड़ी में ही सोएंगे। चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि पानी में अभी भीगेंगे नहीं, क्योंकि नाइट भर इसी ड्रेस में सोना है हमको, आएंगे नहीं है ना, तो पानी खुलने देते हैं और फिर गाड़ी के बाद चलते हैं। अभी हम रिटर्न अपने गाड़ी की ओर जा रहे हैं, फिर बैठेंगे गाड़ी में और फिर चलेंगे रफ्तार से, और खाना वगैरह नाइट का हम उधर गाड़ी के ही आसपास और गाड़ी में खाएंगे। हो सकता है कि कहीं रुक कर भी खा सकते हैं, तो क्या सीन होगा अगला वो भी दिखाते रहेंगे हम आपको। तो मंदिर से आए और इस साइड में जो गाड़ियों का रास्ता है बहुत ही कीचड़ भरा है, उसकी झलक आपको दिखाएंगे। गाइस देख सकते हैं इस कीचड़ भरे रास्ते से हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गाड़ियों के धुएँ हो जाते हैं, ये देख सकते हैं। और मैं इस वक्त कीचड़ से चल रहा हूँ, कीचड़ देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है, और मैं इसे ये कुछ सीन बना हुआ है। गाड़ियों की कतार लंबी है, कम से कम 1 किलोमीटर के दूर हमारी गाड़ी कुछ आगे में ही लगी है, क्योंकि गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। सभी भक्त यहाँ पर एक से एक बढ़कर उतर कर आते हैं दर्शन करने के लिए, तो हम भी इसी भीड़ में शामिल हो गए दर्शन करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं अपनी गाड़ी के पास। और भंडारा बहुत ही सुपर था। तो गाइस हम भी अभी चलते हैं अपनी गाड़ी की ओर और वहाँ पर अभी आराम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाइट हो चुकी है, तो अपने गाड़ी के बाद चलते हैं और आराम करते हैं। तो चलिए ये रहा कुछ विशाल भंडारा जो कि दमुआ में होता है, आइए आप भी कभी दर्शन करने महाकाल जी की नगरी में। आपको बाहर का कुछ सीन दिखाया आपको, तो कुछ इस टाइप से है, और पानी भी चालू है बहुत ही स्पीड से, पानी बहुत ही ज़्यादा चालू है, और देख सकते हैं मेरे गॉगल पर आपको दिखाई पड़ेगा। और ये भोलेनाथ जी की तस्वीर, साथ में आपको इधर से जाना पड़ सकता है, यहाँ पर अच्छे खासी मतलब बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। गाइस देख सकते हैं ये हमारी गाड़ी है, ये इसमें लिखा है श्री नागदार स्वामी,
नवनाथ बहुद्देशीय मंडल विठ्ठल रूपमयी मंडल सिवनी जिला पांडुरना। तो गाइस हमारा पांडुरना अभी जिला बन चुका है, तो इसी के साथ हमारी ये गाड़ी है, गाड़ी का नंबर है 1855 MH33 1855 है। तो ये गाड़ी से हम अभी सफ़र में लगे हुए हैं और आप लोगों को भी लेकर चल रहे हैं महाकाल की एक नगरी में जो कि बसती है पहाड़ों में। इसके पहले हमने दर्शन कराए थे आपको उज्जैन नगरी में महाकाल जी के, तो उसके बाद है महादेव बाबा के जो पूरी रूपरेखा के साथ यहाँ पर अलग अलग जगह पे यहाँ पर मतलब बहुत सारे देवताओं के स्टेचू हो गए और मूर्तियाँ बैठा ली गई है। तो ये सब चीज़ें फिलहाल, तो ये गाड़ी है हमारी, अंदर ही सोए हम और इसी में सोएंगे नाइट में। इसी के साथ चलते हैं आगे का सफ़र, आपको मिलाते कैसा होता है। नाइट में सोएंगे और फिर मॉर्निंग में आपको मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, नई उम्मीद के साथ। भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी में हम पहुंच चुके हैं। गेट अप हमारा जो रेनकोट से सही जो पूरा पहन गए, हमने पूरा पहन लिया है, बाहर निकल के फ्रेश हो गए, थोड़ा लगने लगा अभी। और यहाँ पे बंदरों का बहुत ही करतब दिखाई पड़ेगा आपको, ये देख सकते हैं, ये देखिए जैसे कि इन्हीं की गाड़ी है, ये मालिक ये बने पड़े हैं, ये इधर है, तो इनका देख सकते हैं मालिकाना फॉर्म कैसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है, भागते भी नहीं है यहाँ पर भगाने जाए तो, ठीक है। बाकी यहाँ मौसम का आप देख सकते हैं, पूरा टेम्परेचर पूरा डाउन हुआ रखा है ना, दूर दूर तक देखेंगे तो धुआंधार आपको माहौल दिखाई देगा।